कहे कातिल को गोली मारा साला को कानू कहे कातिल को गोली मारा साला को कानू कहे हत्यारा को गोली मारा साला को कानू हम शर्मिंदा मेरे लिए जिंदा है कानू हम शर्मिंदा मेरे लिए जिंदा है जिंदा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदा सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी कानू के कातिल को तो आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज से जो महिलाएं हैं वो भी सड़कों पर बैठ चुकी हैं, धरना दे रही हैं और कहना है जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी आने वाले समय में इनका ये आंदोलन इसी तरह से देखने को मिलेगा। एक बार महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगी, आज जानू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जानू हमारा बेटा था, पोता था। हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जानू के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्या लगता है अभी मेरा पोता पोता भी तो अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं मुखिया? हम यही, हमें इंसाफ नहीं मिला। गोली मारनी चाहिए, ऐसे ही गोली मारनी चाहिए। हमारे पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? सरकार भी की हुई है, सरकार की हुई है, सरकार की रखी है। इस बार कारण की सरकार ने दो ही पेश किए गए, अभी कोई पेश नहीं करा गया। सरकार ने पैसा खा रखा है, सारे हम खाए। क्या क्या मांग कर रही है सरकार? हम इंसाफ मांगते हैं। जानू को पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं, पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं। जानू के कातिलों को सजाए मौत, सजाए मौत। क्यों नहीं पकड़े सालों को? खुले आम घूम रहे हैं। अच्छा, पहले रमन चला गया इस दुनिया से और अब जानू चला गया। जानू चला गया, सारे आम गोलियां मार के खुले घूम रहे हैं। दो वैसे मुझे भी दिखा दिए, उनका क्या फायदा है? तो वो दो कौन है, उनका कोई रोल नहीं है? हमारे को तो कोई रोल नहीं है, उनका चलो होगा थोड़ा बहुत होगा। तो जो गोलियां मारी उनको तो पकड़ो ना। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से मैं सरकार से कहूंगी साफ देंगे सब अन्य बारिश में। वाल्मीकि समाज जो करेगा वो करेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि रमन की फोटो भी यहाँ पर साथ लिए घूम रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवार के जो दोनों बच्चे थे समय से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। तस्वीरें आप मौके पर देख सकते हैं। जानू को चाहने वाले जितने भी परिवार के लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार वालों के हाथ में जानू का एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इसी बात को दर्शा रही हैं कि जानू को कितने लोग चाहते थे। तस्वीरें दिखा सकते हैं, आज जानू की क्रिया थी और कहीं ना कहीं परिवार वालों का आरोप है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार वालों के अंदर एक रोष दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, क्रिया के बाद आज जानू की आत्मा को शांति दिलाने के लिए, इंसाफ के लिए, गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आज सड़कों पर उतर आया है जो वाल्मीकि समाज है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्यार करते थे सब जानू से। तो फुवारा चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं रमन वाल्मीकि। आप देख सकते हैं रमन वाल्मीकि का फोटोग्राफ भी हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों भाई जानू और रमन आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से। आगे की जानकारी के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे और जानू की इस खबर को शेयर भी जरूर करे। तेरा नाम रहेगा। धनु तेरी साथ मेरा देंगे टॉप के। वाल्मीकि शक्ति अमर है।
अमनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। इस समय की लाइव तस्वीरें हैं आपको जिला यमुनानगर के फवारा चौक से दिखा रहे हैं। जानू हत्याकांड केस में एक बार फिर से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ चुके हैं जानू, जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। आज उसकी क्रिया थी और कहीं ना कहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने उसकी हत्या की है, जो आरोपी है मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसीलिए शायद जानू को अभी तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शांति तभी मिलेगी जब मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तस्वीरें इस समय आपको फुवारा चौक से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जानू की क्रिया के बाद उसके जो परिजन है, परिवार वाले, रिश्तेदार, जो उसे चाहने वाले हैं, सभी आज मुख्य आरोपी की गिरफ्त को लेकर आज डीसी ऑफिस में, जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचने वाले हैं। जगह जगह रास्तों में जो मेन मेन चौक है, हर जगह पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है। तस्वीरें आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है। आगे के लिए कोई ट्रेजेडी ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो, किसी तरह का कोई हल्ला ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि परिवार वाले डीसी सर को ज्ञापन दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, क्या कुछ होने वाला है। पूरे मामले के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे। जानू के कातिल को गोली मारो सालों को, जानू के कातिल को गोली मारो सालों को, जानू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। जानू हम शर्मिंदा है, मेरे लिए हम जिंदा है। जानू हम शर्मिंदा है, मेरे लिए हम जिंदा है। जिंदा सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर खट्टर मुर्दाबाद, 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 खट्टर खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जानू के कातिल को चुकी हैं, धरना दे रही हैं और कहना है जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आने वाले समय में इनका ये आंदोलन इसी तरह से देखने को मिलेगा। एक बार महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगी, आज जानू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जानू हमारा बेटा था, पोता था, हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जानू के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्या लगता है अभी मेरा पोता पोता भी तो अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं मुखिया, हम यही, हमें इंसाफ नहीं मिला। गोली मारनी चाहिए, ऐसे गोली मारनी चाहिए। हमारे दिल को ठंड मारो, हमारे हवाले कर दो, अगर सरकार के बस के लिए हमारे हवाले कर दो, हम गोली मारेंगे उसको, अगर सारे आगे तो गोली मारेंगे। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस अभी तक, पुलिस 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 अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? सरकार बिकी हुई है, सरकार बिकी हुई है, सरकार बिकी हुई है, रखी है इस बार कर के सरकार ने, सरकार ने दो ही पेश किए गए, अभी अभी कोई पेश नहीं करा गया। सरकार ने पैसा खा रखा है, सारे हम खाए। क्या क्या मांग कर रही है सरकार? हम इंसाफ मांगते हैं। जानू को पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं, पुलिस वाले ने पैसे खा रखे हैं। जानू के कातिलों को सजा है मौत, सजा है मौत। क्यों नहीं पकड़ा सालों को, खुले आम घूम रहे हैं। दो पहले रमन चला गया इस दुनिया से और अब जानू चला गया। जानू चला गया, सारे आम गोलियां मार के में खुले घूम रहे हैं। दो वैसे मुझे भी दिखा दिए, उनका क्या फायदा है? तो वो दो कौन है, उनका कोई रोल नहीं है? हमारे को तो कोई रोल नहीं है उनका, चलो होगा थोड़ा बहुत होगा, तो जो गोलियां मारी उनको तो पकड़ो ना। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से मैं सरकार से कहूंगी इंसाफ दे, सब अन्य बाल्मीकि समाज जो करेगा वो करेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि रमन की फोटो भी यहाँ पर साथ लिए घूम रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवार के जो दोनों बच्चे थे समय से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। तस्वीरें आप मौके पर देख सकते हैं। जानू के
हत्यारों को, गोली मारो खानों को, प्रेमपुर से तलबूर को, गोले मारो खानों को, प्रेमपुर से तलबूर को, गोले मारो खानों को, तो मौके पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फुवारा चौक पर वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने जाम लगा दिया है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें, रमन वाल्मीकि की फोटो भी आप देख सकते हैं। आज दोनों के दोनों भाई रमन और जानू इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों भाइयों की तस्वीरें देख सकते हैं फोटो में। फोटो लेकर जो जानू और रमन के चाहने वाले हैं सड़कों पर उतर चुके हैं। रोड जाम कर दिया गया है क्योंकि समय से पहले ही दोनों भाई इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। और उनकी आत्मिक शांति, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जो मुख्य आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, रोड जाम कर दिया गया है और कैसे सड़कों पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। जानू के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, जानू के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जानू के हत्यारों को, गोली मारो सालों को। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फुवारा चौक से किस तरह से जो वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं जानू और रमन को इंसाफ दिलाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना रोष दिखाई दे रहा है। आज क्रिया के दिन हर किसी ने एक शपथ ली है कि जब तक गुनहगार गिरफ्तार नहीं होंगे, इसी तरह भविष्य में वाल्मीकि समाज की ओर से, परिवार वालों की ओर से ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। तस्वीरें लगातार आपको फुवारा चौक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जानू को चाहने वाले परिवार के जो लोग हैं, उसके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रोष जता रहे हैं और जिला सचिवालय में पैदल चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, यात्रा शुरू हो चुकी है जिला सचिवालय में डीसी सर के नाम पर ज्ञापन देने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव जिला यमुनानगर के फुवारा चौक से। आप देख सकते हैं हाथ में रमन और जानू का फोटो फ्रेम लेकर चल रहे हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं कि जानू के हथियारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेकार और निकम्मी साबित हो रही है कि इतने दिन होने के बाद भी, जानू की हत्या को इतने दिन होने के बाद भी अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं करा। एक दो पुतले जो है भी या नहीं भी है उनको शांत करने के लिए, वाल्मीकि समाज को शांत करने के लिए वे पुतले अरेस्ट करे हैं, लेकिन शांति इसमें बिल्कुल भी शांति नहीं है वाल्मीकि समाज की। जब तक वो हत्यारा नहीं पकड़ा जाता वाल्मीकि समाज ऐसे ही सड़कों पे उतरा रहेगा। आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में आंदोलन में कामयाबी मिलेगी, गिरफ्तारी होगी? कामयाबी मिलेगी, इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। यह आज यमुनानगर के लिए एक छोटा सा टेलर है, टेलर अगर देश भर के अंदर आंदोलन होगा इससे बड़ा पूरे आंदोलन होगा। चूक है क्योंकि जानू पर पहले भी बिल्कुल चूक है, यमुनानगर प्रशासन की बिल्कुल चूक है। तभी तो छोड़ रखा था, दो महीने पहले भी तो उसके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तब कहाँ थे प्रशासन? ये नाकाम पुलिस वाले हैं और नाकाम ही सरकार है। पुलिस को चेतावनी देने के लिए आप आज बिल्कुल चेतावनी देने के लिए रोड के ऊपर उतरे हैं समाज, और हम जब तक शांति नहीं बैठेंगे पूरे ऑल इंडिया के अंदर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जिले वाइज, और इस तरह बड़ा आंदोलन चलेगा जब तक वो अरेस्ट नहीं होता। बिल्कुल पैदल यात्रा रहेगी भगवान, पैदल पैदल। मेरा नाम राहुल वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और जो हमारे जानू भाई के पास जो कुछ गुंडे तक के लोगों ने जो उनकी हत्या कर दी गई है, हम पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत नहीं है यमुनानगर के, और ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे सड़कों पर तरना काम करेगा, यदि अगर इनके दोस्तों को सजा फांसी नहीं होगी। ठीक है, ये हम सब लोगों का आगाज है वाली समाज का। तो देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपको फुवारा चौक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला सचिवालय में जाने के लिए निकल चुके हैं, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज एक शपथ भी ले रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मुख्य आरोपियों की, तब तक के लिए पूरे देश भर में जानू की आत्मा को शांति दिलाने के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जानू को चाहने वाले जो साथी हैं, परिवार के लोग हैं यहाँ पर पहुंच।
पहुंचे हुए हैं। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। क्या नाम है आपका, कहां से पहुंचे? भारतीय वाल्मीकि तनसमा रजिस्टर पावर्स वालों लुधियाना पंजाब तो पूरे देश के जो 14 प्रांतों में काम कर रहा है। अज रजिंदर वाल्मीकि जी के जो बेटे का हत्या हुई है उसके संबंध में इतने श्रद्धांजलि समाज पहुंचे। श्रद्धांजलि समाज वजो उन्होंने शोक सभा के अज श्रद्धांजलि भेंट करने के बाद यह मांग की। परम पूजनीय धर्म गुरु डॉक्टर देव सिंह द्वैती जी महाराज वालों भी अज जरा श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। असं हरियाणा सरकार तो मांग करते हैं कि जरा जानू के जो हथियार रहे हैं जिन्हें धोखे में लिया गया उस हत्या की है उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार ना किया गया तो पूरे देश व्यापी जोड़ा वा एक अंदोलन शुरू किया जाएगा उन्होंने हथियारों जोड़ा वा फांसी देने सज़ा देने। इसलिए असं भारतीय वाल्मीकि तनसमा पावदस लुधियाना पंजाब वालों आके अज उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। तो वीर शेष रजिंदर वाल्मीकि जी ने इस गल उन्होंने सतावना दें कि पूरा समाज जोड़ा वा अज उन्होंने नाल है एक दुख घड़ी है। सर कहना चाहोगे मुख्य आरोपी हले भी खुले आसमान के थले घूम रहे हैं, की कहना चाहोगे? ये हरियाणा सरकार की नलाकी है, ये जरा प्रशासन है उन्होंने कंट्रोल च नहीं है कि अच्छे गैंगवार व्डे पद्धर से बढ़ गए। अज जे इधर सरेआम जोड़ा वा जे लोग ब्याह शादी जाते हैं तो उन्होंने जी धोखे भी लिया के हत्या कर दी जाती है। सानू आरोपियों बारे नहीं पता, ये तो लोकल दे हरियाणा के लोगों को पता वा, पर असं चाहते कोई भी है उन जरा वा गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। अगर पुलिस आपकी मांग पे गौर नहीं करती है, नहीं मानती है, जे पुलिस नहीं गौर करती पहले असं देखांगे कि हरियाणा के वाल्मीकि समाज की स्टैप चकते हैं, नहीं तो असं पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर तो जो पूरे देश के लिए एक जरा वा ऐलान करांगे उसनों पूरे देश के लागू किया जाएगा। पावन वाल्मीकि जी अमृतसर तो जो ऐलान होंगे वा पूरे देश में लागू होंगे वा इस करके जो फैसला होगा पूरे देश लिए होगा। तस्वीरें आपको इस समय हम फौरा चौक से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे के सारे वाल्मीकि समाज के अंदर किस तरह से रोष दिखाई दे रहा है। और वाल्मीकि समाज का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के वाल्मीकि समाज को के साथ साथ जो पूरे देश का वाल्मीकि समाज है आने वाले समय में सभी सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आज जानू की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर कोई शपथ ले रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं खुले आस